हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और आज का मेरा ब्लॉग है ब्लॉग 5। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको अपनी परेड के बारे में, परेड कैसे होती है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारी मंगलवार को शुक्रवार जो परेड होती है उसको बोलते हैं जनरल परेड, और जो परेड चलती है उसको बोलते हैं ड्रिल। जो कि परेड परेड की ना जो सिखलाई होती है वो दी जाती है। तो चलते आज मैं आपको अपने परेड के बारे में बताता हूँ। हमारी परेड स्टार्ट होती है सावधान विश्राम से। तो सावधान में क्या रहता है, जैसे कि हम लोग कोई हमारे पास अवसर आता है तो हमको सावधान होना पड़ता है। और सावधान के का जो पोजीशन है, जैसे हम अभी विश्राम में खड़े हैं और हाथ हमारे पीछे ऐसे रहते हैं, एक के ऊपर एक, बट बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ ऐसा रहता है, वो पीछे रहता है। और जो विश्राम की पोजीशन है वो सावधान की पोजीशन सेम रहती है ऐसे बिल्कुल, और ये हाथ हमारे बिल्कुल इसके चुपके रहते हैं ऐसे करके। अच्छा, जैसे कोई अवसर आता है हमको सावधान होना पड़ता है इस तरीके से, ये सावधान का। और ये हाथ जाएंगे हमारे यहाँ पर, ताकि ये गैप पीछे का ये दिखे ना, ऐसे सावधान का ये रहता है कि ये पैर हमारी जाए है एकदम कमर से फ्लैट होनी चाहिए पूरी। और जो हमारी एड़ी है ये पंजा ऐसे मुड़ा हुआ ना होना चाहिए। और जब सावधान होते हैं तो ये दाएँ पैर की एड़ी और बाएँ पैर की एड़ी को कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। और ये हाथ ऐसे हमारे याद ऐसे रहती है सीधे ये ऐसे, और जब पीछे कुछ दिखे ना। और जब विश्राम होते हैं तो ये पैर ऐसे आगे ही जाता है, और ये पैर ऐसे करके ऐसे, और ये पीछे ऐसे आ जाता है इस तरीके से, ये। मैंने सावधान विश्राम आपको बताया था, उसमें ना एक चीज़ और रहती है कि हर एक चीज़ सिचुएशन वाइज और अपना एक स्टेप वाइज होता है। जैसे हम लोग सावधान होते हैं, जैसे कि हम लोग जैसे ये सावधान है, तो सावधान में हमारी जो एड़ी रहती है वो चुपकी होती है, और जो पंजे का जो फासला होता है वो 6 इंच रहता है। सावधान में पंजे रहता है 6 इंच, और एड़ी मिली रहती है, वो हाथ का ये रहता है। और जब हम विश्राम होते हैं इस तरीके से, तो हमारी एड़ी का जो फासला रहता है वो है 12 इंच, और जो पंजे की जो दूरी रहती है आगे की वो रहती है 18 इंच। तो ये पूरे सावधान का ये पूरा पोजिशन रहती है, इस हिसाब से हमको सावधान होना पड़ता है। जैसे कि ये, जैसे अब मेरी पंजे की दूरी है 18 इंच, और एड़ी की दूरी है मेरी 12 इंच। और जब सावधान होंगे तो हल्का सा ऐसे करना है, और ये पैर ऐसे जाएगा, और ये और हाथ आ जाएंगे इस तरीके से, और जिसमें कि एड़ी का फासला हो जाता है 0, और पंजे का फासला आ जाता है 6 इंच। ओके फ्रेंड, तो ये रहता है सावधान और विश्राम की हमारी पूरी पोजिशन रहती है, और हाथ इस तरीके से रहते हैं, मुट्ठी बंद रहती है, अंगूठा के ऊपर रहता है दबा हुआ। और जो हमारी जो पैर की जो सिलाई रहती है, ये जो सिलाई रहती है उस पर ये हमारा अंगूठा आना चाहिए पूरा, ये सीधाई पे ये, और पीछे का ये बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, यहाँ से जो गैप रहता है वो गैप होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी इस तरीके से। ये हमारे पूरा सावधान रहता है। और जिसमें हम सल्यूट करते हैं, तो सल्यूट में हमारा ये हाथ ऐसे, तो ये ऐसे, और यहाँ से पूरा कट हो जाता है ये इस तक। तो फ्रेंड, फिर आता है हमारा सेकंड पोजीशन। जैसे कि कोई अफसर आता है और हम ऐसे सावधान रहते हैं अपने पोजीशन में, जो हमारे अफसर आते हैं सावधान रहते हैं, और साहब हमको जैसे बुलाते हैं तो हमको एक कदम आगे लेके सावधान होना पड़ता है। उसके बाद हमको उनके पास जाना पड़ता है 3 कदम, और उसके बाद हमको सल्यूट करना पड़ता है। सल्यूट में हमारी पोजीशन रहती है सावधान की, और ये हाथ हमारा रहता है स्ट्रेट ऐसे इस तरीके से, और अंगूठा मिला हुआ रहता है पूरा हाथ, और हथेली मतलब गड्ढा नहीं होना चाहिए हथेली में, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए वो हाथ, यहाँ से इस तरह कनेक्ट होता है। और ये उंगली हमारी ये राइट साइड की इससे भी स्ट्रेट बीच में आनी चाहिए बिल्कुल इस तरीके से, और अंगूठा वहाँ मिला तो ये फिंगर पूरी मिली हुई होनी चाहिए, हथेली में गड्ढा नहीं होना चाहिए इस तरीके से। और उसके बाद कुछ सेकंड 2 या 3 सेकंड रुकने के बाद उसको हाथों को इस तरीके से सीधा काटा जाता है इस तरीके से। ये हमारा जो पूरा यहाँ पे बैट लगा हुआ रहता है, और ये बटन रहते हैं बटन की ये सिराई पे बिल्कुल ऐसे करके, बटन की सिराई पे ऐसे ये हाथ ऐसे जाता है बिल्कुल ऐसे सीधा, तो हमारा मुट्ठी बन जाती है और हाथ हो जाता है ऐसे। उसके बाद कुछ हमको सर से बात करने के बाद पीछे मुंडा होता है। पीछे हम जब भी मुड़ते हैं अपने दाएँ हाथ से ही, जो भी हमारी कार्रवाई होती है दाएँ हाथ से ही होती है, दाएँ हम घूमते हैं ऐसे करके सावधान होते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। और हमने अपनी सावधान की जो सीखी थी कि सावधान ऐसे रहते हैं। उसके बाद जैसे कि कवर लाइन से खड़े रहते हैं, कोई कवर कम रहता है कोई ज़्यादा रहता है, तो उसमें फिर आता है कि सच्चा कवर का मतलब एक दूसरे बगल से देख के पूरी बराबर पोजिशन लेनी है, बराबर डिफरेंस बराबर डिस्टेंस में हम लोग को आना होता है। तो उसके लिए एक और चीज़ रहती है परेड में, जैसे हम लोग सावधान खड़े हैं तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर रहता है, जो सर ऑफिसर वगैरह रहते हैं, वो बोलते हैं सज्जा कवर कर। तो हमको ना इस हाथ से अपना एक हाथ से और दूसरे जो बंदा खड़ा हुआ से एक हाथ से ऐसा लेना पड़ता है, और ज़्यादा लंबी होती है तो उसको कहते हैं सज्जा कवर कर,
दाएं बाजू चल या बाएं बाजू चल, अरे बाएं बाजू चलने को बोलते हैं तो हम लोग अपने इस हाथ पे है ना, ये पैर अपना निकालते हैं तो ये जमीन के स्तर में जो जमीन फ्लैट रहती है ना उस पर ऐसे करते हैं, और ये वाला पैर हम लोग उठा के ऐसे फेंकते हैं, ये एक कदम और ये दो कदम। वैसे हमको ना चार कदम जाना पड़ता है और ज़्यादा है तो आठ कदम, अगर आठ कदम के बाद हमको और जाना है तो दाएं बाएं मुड़ना होता है, दाएं बाएं दाएं मुड़ेंगे, बाएं 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 जाना तो बाएं मुड़ेंगे, सावधान होंगे उसके बाद पीछे चलेंगे, उनके सावधान होने के बाद पीछे मुड़ के ऐसे हम लोग कर देंगे। तो इससे इससे हमारा क्या रहता है, जो हमारा डिफरेंस रहता है वो एक लेवल में आ जाता है। और फिर तीसरा ये रहता है, जैसे परेड स्टार्ट होती है तो बोलते हैं निकल लाइन चल, और तो निकल लाइन में क्या रहता है, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन बनी रहती है, जैसे एक दो तीन लाइन बनी रहती है, और जो बीच वाली लाइन रहती है वो कोई हरकत नहीं करता, जैसे कि मैं आगे खड़ा हूँ मान लो, और एक बीच में खड़ा है, एक पीछे खड़ा है, और परेड में क्या थोड़ा बगल में आना पड़ता है, तो उसमें कहते हैं कि परेड के लिए तैयार और निकल लाइन चल, तो निकल लाइन में मेरे को तीन कदम पीछे जाना पड़ता है, एक दो और ये तीन, जिससे कि जो पीछे वाला बीच वाला है उससे थोड़ा सा मैं अपनी डिस्टेंस में कम डिस्टेंस में आ जाता हूँ, और जो पीछे वाला होता है वो आगे कदम लेता है, वो लेता है एक दो और ये तीन। तो इससे क्या हमारी जो परेड होती है वो पोजिशन में आ जाती है, और उससे अपनी परेड तैयारी करते हैं। फिर परेड के लिए हमको दाएं, अगर कोई स्ट्रक्चर मार खड़ा है तो हमको दाएं मुड़ना पड़ेगा, इधर खड़ा तो बाएं, जैसे दाएं मुड़ना है तो हमको दाएं मुड़ के ये करके, और फिर कहते हैं जी तेज चल चल, तो हम लोग अपनी स्टार्ट कर देते हैं वो। ये मेरी ट्रेनिंग वाली जो वीडियो है, जो परेड में आपको वीडियो बताई थी, आपको कैसी लगी हो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि जो प्रोफेशनल जो पुलिस फोर्स वगैरह होती है वो अपनी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हैं इस चीज़ के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जय श्री राम।